चलिए जी फाइन सो आई एम ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है आपको आप सभी को आवाज आ रही है तो जरूर बताइएगा मुझे इफ आई एम ऑडिबल प्लीज लेट मी नो यस और नो चलिए टॉपिक बहुत आ रही है वेरी गुड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है समझना बहुत जरूरी है तो उसी के समझाने के लिए मैं आपके साथ और आपके सामने आया हूँ चलिए बहुत बढ़िया छह सौरभ आपका दोस्त एंड आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपका हमारे सेशन में चलिए जी आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड सच में आज मैं आपको काफी हद तक अगर आप मेरे साथ बने रहे एंड तक काफी हद तक मैं आपको आज कैसे डाइट प्लान बनाते हैं वो सिखा दूंगा सिर्फ मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जो लोग पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं बिकॉज आज ज्यादातर पेन और पेपर का काम होने वाला है इसीलिए अगर अगर आप वैसे समझना चाहते हैं वैसे समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्योंकि उसमें ज्यादा समझ नहीं आएगा बट अगर आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा और बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे राइट चलिए तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका और हमारा आगे बढ़ते हैं सो so, कोई भी डाइट प्लान जब आप बना रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं मैं भी लिखूंगा आप भी लिखिएगा लिख के समझेंगे दोनों ही तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए आपस के लिए राइट right, तो मैं स्क्रीन शेयर जरूर करूंगा व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा उसमें आपको मैं बारीकी बताऊंगा पहले थोड़ा सा और आपको बता दूं कि कोई भी डाइट प्लान जब आप बनाते हैं लाइक एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मैं जिस तरह डाइट प्लान बनाता हूँ या आपको इन फ्यूचर अपना भी डाइट प्लान बनाना होगा या अपने लोगों का डाइट प्लान बनाना होगा अब किस तरह की कुछ कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं जिसमें तीन चार चीजें आती हैं वो है पहला तो आपको बी पता होना चाहिए या आर एम आर बी एम आर आपका होता है बेसल मेटाबोलिक रेट सारा मैं लिख के बताऊंगा अभी मैं सिर्फ और बता रहा हूँ आर एम आर होता है रेस्टिंग मेटाबोलिक रेट ये दोनों ही सिमिलर है बी एम आर आर एम आर दोनों ही सिमिलर है उसके बाद जब आपके पास बी एम आर आ जाता है आपका फिर आपके पास आता है टी डी ई टी डी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर टी डी ई जब आपके पास आ जाता है क्योंकि बी एम आर वो भी बताऊंगा मैं किस तरह करना होता है फीमेल मेल में क्या सीन है किस तरह करना है ये सारी चीजें बताऊंगा उसके बाद तीसरा आपका होता है कि आपका एक्टिविटी लेवल बीएमआर और एक्टिविटी लेवल को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्टिविटी लेवल हमारा टी डी ई ई निकाल देता है बीएमआर मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल उसके बाद हमारी कैलोरीज कितनी मेंटेन करनी है हमको वेट के लिए वो सारा आ जाता है चलिए मेरी आवाज और मेरी वीडियो में कोई भी कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत आए जस्ट लेट मी नो राइट मुझे जरूर बताइएगा चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आपके साथ पहले हम डाइट बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको बी एम आर कैसे कैलकुलेट करना है तो इफ माई वाइट बोर्ड इज विजिबल क्या मेरा वाइट बोर्ड विजिबल है बोर्ड विजिबल सफेद स्क्रीन आपको दिख रही है है ना बहुत बढ़िया बहुत अमेजिंग चलिए जी बहुत अच्छे चलिए सो so, पहले तो हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं जो मैंने आपको बोला कि ये बी एम आर आर एम आर टी टी क्या है है ना ये तीनों चीजें क्या है इनको समझ लेते हैं ये हमारे आपका बेसल पॉलिक रेट ये रेस्टिंग सिंपल भाषा में बॉलिक रेट टी डी इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बी एम आर एम आर टी डी इन तीनों ही चीजों से आपका पूरा डाइट प्लान बनता है फीमेल मेल में थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों ही चीजों में थोड़ा डिफरेंस होता है तो उसका भी डिफरेंस मैं समझाऊंगा बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट रेस्टिंग में ही अभी अवस्था में जो आप बैठे हैं बैठ के मेरे को सुन रहे हैं इस अवस्था में आपकी बॉडी कितना फैट बर्न कर रही है उसको बोलते हैं बीएमआर या फिर आरएमआर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट टी टीडी डबल ई जो होता है वो आपके पूरे दिन का पूरे दिन का बॉडी के अंदर कितना एनर्जी का एक्सपेंडिचर होने वाला है कितना आपको इंटेक करना चाहिए वो सारा इसमें टी डी ई में आएगा थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा और थोड़ा समझने की जरूरत है ठीक है किसी को अगर ये ना पता चले तो मैं इसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा और खुशी की बात यह है कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल फिर से जिंदा हो गया है और वो चल रहा है अगर कोई ऐड नहीं है तो प्लीज हमें बताइएगा हम ऐड कर देंगे आपको अगर आप निकल गए थे बाय चांस मेरे मैसेज की वजह से तो हम दोबारा ऐड कर देंगे कोई दिक्कत नहीं राइट चलिए यहां तक ठीक है कोई नहीं कर पाया चिंता मत करना स्क्रीनशॉट ले लिया करो लिख भी लेना स्क्रीनशॉट ले लिया करो कुछ लोग स्क्रीनशॉट पे काम करते हैं कुछ लोग लिखने पे काम करते हैं तो कोई बात नहीं बहुत बढ़िया जो जैसे काम करता है काम करना बहुत जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हम करेंगे फीमेल्स क्योंकि फीमेल्स ओरिएंटेड है हमारा क्लब तो पहले फीमेल्स का बात करेंगे और हम क्या कर रहे हैं फीमेल्स का बी निकाल रहे हैं आपका भी निकल सकता है आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए वो मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए बी एम आर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसमें लिखते हैं हम टेन इंटू आपका वजन वेट और वजन वेट किसमें इन केजीस तो आपको सबको अपना वेट पता होगा कितना किलो का है आपका उसके बाद प्लस क्या करना है सिक्स पॉइंट टू फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू हाइट ये हाइट जो है आपकी इन सेंटीमीटर है तो अगर आप पांच फुट एक इंच है उसको सेंटीमीटर में निकाल लेना आप पांच फुट दो इंच है उसको सेंटीमीटर में निकाल लेना वो निकल जाता है अगर आपको नहीं पता होगा गूगल पे लिखेंगे कि 5.1 इंच सेंटीमीटर तो वो सेंटीमीटर में निकाल देगा इसके बाद इसमें माइनस क्या करना है इसे माइनस करना है फाइव एज जो एज होगी वो आपके सालों में होगी कितने साल के हैं आप और लास्ट में माइनस करना है वन को तो इसका इससे क्या होगा आपका क्या निकल आएगा पी एम आर ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से लिखिएगा दस इंटू गुणा वेट इन केजीज कितने किलो के हैं टेन इंटू योर किलो कितने के हैं प्लस सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू हाइट कितने सेंटीमीटर के हैं हाइट सेंटीमीटर में आनी चाहिए राइट माइनस फाइव इंटू योर एज इन ईयर्स और माइनस लास्ट में इसको करेंगे आपका बी एम आर निकल जाएगा ठीक है यहां तक घबराना नहीं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं अगर आप पैंतीस साल के हैं डेढ़ सौ किलो के हैं और आपकी हाइट 5 फीट सेवन इंचेस है एक सौ सत्तर सेंटीमीटर करीब करीब बता रहा हूं तो आपका कैलरी पर डे एट रेस्ट कितना होगा बीएमआर इतना कितना कैलरीज पर डे होगा अब कुछ लोग जो लेट से ज्वाइन किए हैं या आधी वीडियो हो जाता है नेटवर्क इश्यू तो मैं बताऊ क्या बोल रहा हूं मैं ये फॉर्मूले को लगा के बोल रहा हूं आप कैलकुलेटर उठाइए टेन इंटू आपका वेट प्लस 6.25 इंटू आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में ना माइनस फाइव इंटू आपकी उम्र वो सालों में होनी चाहिए माइनस वन सिक्स वन आपका बी एम आर निकल आएगा तो नॉर्मली मैंने एग्जाम्पल दिया अगर आप पच्चीस पैंतीस साल के हैं एक सौ पचास के जी के हैं ये एग्जाम्पल दिया घबराइएगा मत एग्जाम्पल दिया है ना तो मैं तो इतना नहीं हूँ ऐसे आपको नहीं बोला मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया ये फॉर एग्जाम्पल है डेढ़ सौ किलो का कोई ना ही हो तो अच्छा है है ना तो ये उनका पर डे कितना बर्न करेगा वो रेस्टिंग पे वो इतना बर्न करेंगे फॉर्मूला चलिए अब ये आ, यहाँ पे अपने भाइयों को मैं वो नहीं करूँगा मतलब ए, क्या बोलते हैं ना उदास नहीं करूँगा कुछ मेल भी हैं हमारे फ्रेंड तो वो उस पर आ जाएंगे कि भैया हमारे लिए क्या क्योंकि ये यूट्यूब पे भी आएगा तो वहां पे भी कुछ लोग मेल जुड़ेंगे हम बी निकाल रहे हैं राइट right. तो उसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप जिनके पास मशीन है ऑटोमेटिक मशीन है वो तो गूगल पे मारते हैं और वो सब करके निकाल लेते हैं बट मैं ये बता रहा हूँ आपको डाइटिशियन बनना है अच्छा कोई कोच बनना है किसी का बी निकालना है हाथों हाथ वहीं बैठे आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ आता है बट ऐसे कैलकुलेट करना ये फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ अगर आप मेल हैं तो वही वेट टेन इंटू वेट वेट होगा इन केजीज प्लस इनटू हाइट हाइट होगी इन सेंटीमीटर्स माइनस पांच इंटू एज इन इयर्स प्लस पांच तो आपका बीएमआर निकल आएगा ये मेल के लिए है जो फॉर्मूला था फीमेल का उसमें लास्ट में जाके माइनस होता है वन सिक्स वन और यहाँ प्लस हो जाता है फाइव बहुत सिंपल है इसमें भी अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ या एग्जाम्पल देना चाहूँ मान लीजिए आप पैंतीस साल के हैं आप नब्बे किलो के हैं साठ फुट छः फुट के हैं एक सौ तिरासी सेंटीमीटर हुआ तो आपका बीएमआर क्या निकलेगा ये रेस्टिंग भी हमारा है ये कैलोरीज है अ डे डन शुड वी प्रोसीड फर्दर चलिए केस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं किस तरह आपको अब टी डी टी डी डबल ई पानी पीते रहना दबाव तो बना रहे कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक बना रहे हम कैलकुलेट करते हैं टी डी टी डी डबल ई कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या था कुछ चैट में लिख के बताएगा मैंने बताया था आपको ये क्या था चैट में लिख के बता सकता है टी डी डबल ई क्या था बधाइए 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 देखें यस 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 पार्टिसिपेशन इज मस्ट विदाउट पार्टिसिपेशन टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर वाह आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल कितने पढ़ाकू हो गए वाह वेरी गुड तो टीडी क्या था टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडीचर ठीक है जी तो अब आपको बेस भी पता है किस तरह निकाल रहे हैं इसके तीन स्टेप होते हैं स्टेप में आपको बी आपको आर या फिर आर एम आर पता होना चाहिए मैडम वो बच्चे करते हैं गूगल लेजेंड्स कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट करते हैं जो मैं करके बता रहा हूं बच्चे लोग बॉयज डू गूगल डू कैलकुलेशन ठीक है दूसरा स्टेप होता है जिसके मैं मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है हमें अपने वर्कआउट या फिर आप डेली जो भी एक्टिविटीज करती है वर्कआउट योर एक्टिविटी जी मैम बोलेंगे गर्ल्स गर्ल्स में भी लेजेंड्स होते हैं ना तब तो मान लीजिए मैं बॉय हूं तो मैं बॉय बोल दिया आप गर्ल्स तो दूसरा स्टेप ये है पहला स्टेप दूसरा स्टेप ये मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे करना है तीसरा स्टेप में हम आ जाएंगे जब हम इस चीज को जान लेंगे तीसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है आर एम आर और बी एम आर को हम एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा कैलरीज, नीडेड पूरे दिन में हमको कितनी कैलरीज चबानी है खाओ 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 वो वाला आ जाएगा कितनी इतनी कैलरी खाने से हम मेंटेन कर सकते हैं वेट इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा इतनी कैलरी हम हम बराबर खाते रहे तो ऊपर नीचे जैसे हम नीचे थोड़े कम कर देंगे तो वेट गेट घट जाएगा बढ़ा देंगे तो वेट बढ़ जाएगा राइट अभी ये सेकंड स्टेप पे बात करते हैं दूसरे स्टेप पे हम बात करेंगे बहुत जरूरी है बातें करनी बातों से ही बातें बनती है तो बात करने चलते हैं स्टेप टू राइट यहां हम क्या कर रहे हैं स्टेप टू में वर्कआउट एक्टिविटी लेवल ठीक है चलो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा ये कुछ नंबर दे रहा हूँ तो मेरे भाई ये कुछ नंबर लिख रहा हूं 1.2 1.375 1.55 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है है ना ये ये अलग-अलग है राइट अब इनके सामने जरा हम इनकी चर्चा कर लेते हैं 1.2 किसके लिए है जो घर में कोई काम नहीं करते बैठे रहते हैं या मान लीजिए सिक्सटी प्लस उम्र हो गई है सेवेंटी प्लस उम्र हो गई है ज्यादा काम नहीं या कुछ बहुत राजाओं महाराजाओं वाली जिंदगी वाले इंसान होते हैं है ना सिर्फ ऑर्डर करते हैं कि एक फुट पे दो फुट पे भी पड़ा हो गिलास तो बोलते हैं भैया उठा के दे देगा कोई आज सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है जरा मेरे को पकड़ा दो गिलास ऐसे इंसान अगर है तो वो वन ये क्या है वन आपकी एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी का लेवल है 1.2 क्यों है ये क्योंकि हमको बी से मल्टीप्लाई करना है इसको बाद में ध्यान दीजिएगा अगर आप 1.375 लेवल वाले हैं तो आप थोड़ा वर्कआउट हल्का फुल्का चरना फिरना जिसमें आपके कपड़े बर्तन धोना झाड़ू पोचा आता है क्योंकि बहुत बार सुना जाता है कि सर मैं तो घर का सारा काम करती हूँ फिर भी मैं मोटी क्यों हूं बताइए तो उसमें यही आता है क्योंकि वो घर का काम कर रहे हैं टी डी इतना नहीं हो रहा है या फिर एक से दो दिन आप कभी गपशप के लिए पार्क में चले जाते हैं और अपनी फ्रेंड से बात करके आ जाते हैं और बोल के तो ये जाते हैं घर से कि मैं वॉक करने जा रही हूँ बट वहां जाके थोड़ी सी दूरी पे जाके आप बैठ जाते हैं है ना वॉक तो होती नहीं पर कुछ और ही हो रहा होता है वहां गॉसिप्स अगर आप 1.55 के हैं ये थोड़ा ज्यादा वाले जो लोग वार्म अप को सोचते हैं कि मेन ट्रेनिंग हमारी हो गई ये वो लोग हैं थोड़ा कि सर मेन ट्रेनिंग है मुझे तो लगा वार्म अप मेन ट्रेनिंग थी वो ये लोग हैं वो ये एक्सरसाइज करते हैं और ये तीन से पांच दिन करते हैं ये सैटरडे को जुम्बा करने नहीं आते हैं हमारी क्लास में वो सैटरडे को नींद लेते हैं आराम से है ना बट अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं थोड़े ज्यादा एक्टिव हैं वेरी एक्टिव जो लोग इंटेंस वर्कआउट करते हैं वार्म अप के बाद भी नहीं रुकते वा, अंदे, अंदे, ऐसे वाले सीन है उनका आज कल नूरी मैम बहुत छा रही है तो छह से सात दिन अगर वो मेहनत करते हैं पर वीक है ना तो वो इस कैटेगरी में आता है और सुपर एक्टिव है जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना रुकते ना झुकते ना कुछ ऐसा पूरे वर्कआउट में वेरी हार्ड वर्कआउट करते हैं वेरी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो ये तो आपको पता चल गया आपको किस कैटेगरी में रहना है टू बी वेरी रहनाजी झूठ बोलोगे तो झूठ कैलोरीज आ जाएंगी झूठ झूठ बोलोगे तो कैलोरीज आ जाएंगी आपका वेट बढ़ जाएगा सच बोलोगे तो सच वाली कैलोरीज आएगी आपका वेट उतने का उतना बना रहेगा ठीक है ये हो गया आपका आप ध्यान से देख लीजिएगा जिसको स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लो ये सारी चीजें नहीं तो जब ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा तो उसमें मैं लिख भी दूंगा नीचे तो पता चल जाएगा आपको सब ये दूसरा स्टेप था हमारा हमने दूसरा स्टेप कवर कर लिया बहुत बढ़िया कर लिया है ना चलिए आगे बढ़े तीसरे स्टेप पे आएंगे जो मैंने बताया तीसरा स्टेप, स्टेप भी। यहां पे आपका जितना भी BMR निकला था, उसको इंटू कर दो एक्टिविटी लेवल से लेट्स सपोज जैसे मैंने पीछे बताया इनका भाई साहब का ले लेते हैं बीएमआर भाई साहब का बी है अठारह सो उसके ऊपर इन भाई साहब का ले लेते ले हैं भाई साहब का वी एम आर इतना है अब इनको देख के क्या लगता है ये किस कैटेगरी के होंगे कैलकुलेट कर रहे हैं हम जरा बताइए चैट में लिखिए किस कैटेगरी के होंगे क्या लगता है आपको है ना बताओ 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 तो जिस भी कैटेगरी के हम चूज कर रहे हैं हम लेते हैं मॉडरेटली एक्टिव है ये वासवान्स ऑनलाइन हेल्थ क्लब में आते हैं पांच दिन वर्कआउट करते हैं और सैटरडे संडे में बराबर कर देते हैं वर्कआउट करके और जितना भी वर्कआउट किया होता है पांच दिन का वो बराबर कर देते हैं ऐसी कैटेगरी के, के हैं अगर है। तो हम पॉइंट को इंटू करेंगे अठारह सौ से अरे वाह कौन है .5 .5 को इंटू करेंगे अठारह सो से तो ये करीब करीब प्रेसाइजली अगर मैं बोलू इतना आएगा तो भाई साहब इतनी कैलरीज मेंटेन करेंगे ये कैलरी मेंटेन एक दिन की है तो इनका वेट लॉस कभी नहीं होगा आप इस कैलरी से जैसे ही दस परसेंट कम दस से बीस परसेंट कम करेंगे लेस ये वेट लॉस कर लेंगे इससे जैसे ही ज्यादा करेंगे ये वेट गेन कर लेंगे ये उनकी एक दिन की कैलरी आ गई तो इतना खाना आपको खाना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं किस हिसाब से आपको करना है किस हिसाब से आपको खाना है ज्यादा खाना है कम खाना है क्या खाना है, क्या खाना है कैसे खाना है वो आप हिसाब से निकाल सकते हैं तो ये तीन स्टेप में हमने किया टी डी को कैलकुलेट किया किस तरह हुआ हमने निकालना सीख लिया फीमेल मेल मेल का का अलग अलग है है ये मैंने मेल का कैलकुलेट किया है। आप फीमेल अपने हिसाब से निकाल सकते हैं राइट चले यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है आपका जब आप डाइट प्लान बनाएंगे या आपको कोई गाइडेंस देगा है ना तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ डीप घुसना पड़ेगा कि मेरा तो सर स्टक हो गया है इतने महीने से वाले लोग हाँ बढ़िया है ये पी लोगे तो बढ़िया है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है तो ऐसे अगर कुछ ऐसा सीन है आपका तो आप इसको शुरू कर सकते हैं कैलकुलेट करिएगा थोड़ा मेहनत है और बिना मेहनत के तो फिर क्या ही हो सकता कुछ नहीं हो सकता है ना चलिए आगे बात करें किस तरह अब हम आगे बढ़ेंगे यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी कहीं भी कभी भी बताइए जरूर कोई भी परेशानी आपको वाह चलिए बहुत अच्छा जी एनीबडी हैज एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन हाँ हाँ लिखिए लिखिए क्वेश्चन है तो लिखिए जल्दी लिखिए क्योंकि अभी मैं यही हूं फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि हमने पहला हमारा जो बात करने का या टॉपिक का है वो पहला कवर कर लिया है जब हमको BMR और हमारा -E -E पता चल जाएगा फिर हम उसके बाद कैसे काम करेंगे अपनी डाइट पे वो जरूर चैट में लिख दीजिएगा प्लीज सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर सो यस क्या क्वेश्चन क्वेरी है सो so, देखते हैं नहीं तो फिर मैं आगे सॉल्व कर दूंगा एट दी एंड राइट जी चलिए बढ़ते हैं आगे कोशिश करते हैं आपको समझाने की जितना मैं समझा पाया हाँ मैं दिख रहा हूं मैं दिख रहा हूं बहुत बढ़िया सो जब हमारा ये सारा हमने कर लिया कार्यक्रम ये सारी चीजें हमने कर ली हमने ये सब निकाल लिया कैलकुलेट कर लिया हमने कैलरीज कितनी हमको चाहिए हमारा बीएमआर हमार हमने निकाल लिया और उसके बाद टीडीई डी फॉर्मूला लगा के हमने सारा कुछ क्रिएट कर लिया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमको जो चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि हमको लगता है कि वेट लॉस करना इज लाइक like जिस तरह हमारी यूट्यूब यूनिवर्सिटी या, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमको गाइड कर रही है कि किस तरह ये दस दिन में हम दस किलो पंद्रह किलो ऐसे प्लीज भ्रांतियों में मत जाइएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको खुद से खुद के लिए करना पड़ेगा आपको न्यूट्रियन डेंस फूड चूज करना पड़ेगा यू हैव टू चूज न्यूट्री डेंस फूड ये कौन सा होता है जो फूड जिस फूड में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिले वो फूड खाइए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स खाइए वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स खाइए लीन प्रोटीन जिसमें चिकन वगैरह फिश वगैरह टूफू वगैरह होता है लीन प्रोटीन होता है ये खाइए होल ग्रेन खाइए हेल्दी फैट्स खाइए जिसमें नट्स होंगे आपके ऑयल्स होते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल और आप कोकोनट ऑयल लीजिए मस्टर्ड ऑयल लीजिए ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स रिच होते हैं जितनी भी चीजें होती हैं इनको जरूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में चलो न्यूट्रिय डेंस तो हम कर लेंगे फूड कैसे भी करके बट उसके बाद क्या उसके बाद आपको अपना पोर्शन को, को भी कंट्रोल करना है पोर्शन साइज कंट्रोल बहुत करना बहुत जरूरी है आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा आपके पोर्शन साइज को ओवर ईटिंग अवॉइड करनी होगी आज सब्जी स्वाद बनी है तो आधी एक रोटी फालतू खा लेती हूं बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा सब्जी स्वाद बनी है तो सब्जी खा लो रोटी मत खाओ सब्जी क्यों खा लो क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन हो सकता है उसके अंदर विटामिन हो सकता है मिनरल्स हो सकते हैं जो कि आपको अच्छा देंगे आपकी रोटी के अंदर सिर्फ सिर्फ काब्स है फाइबर के नाम पे इतना ज्यादा होता नहीं है काब्स काब्स करते रहोगे शुगर शुगर इनटेक करते रहोगे तो आगे के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है यही नहीं आपको हाइड्रेटेड रहना है जैसे कि अभी मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है इसमें प्यास लगने का तो कोई नामो निशान नहीं लगता लोगों को ऐसा लगता है बट आपको मैं बता दूं ये आपका मिथ है कम से कम तीन किलो आ, तीन लीटर पानी आपको जरूर इनटेक करना है पूरे दिन में इतना ध्यान रखिएगा कम से कम बता रहा हूँ चार तक जाइएगा कम से कम तीन तो हाइड्रेटेड आप थ्रू आउट द डे बहुत सारा पानी पियो बहुत सारा पानी जबरदस्ती नहीं करनी है जैसे मैंने ये सेशन से पहले पूरा ग्लास भरा था अभी आधे से कम होने वाला है तो धीरे धीरे करके पीते रहिए और इससे क्या होगा एक अच्छी चीज और होगी जिन लोगों को मान लो अभी मैंने खाया और मेरे को एक डेढ़ घंटे में भूख लग गई वो करके देखना जरा एक्सपेरिमेंट कि अभी मैंने खाया और मेरे को एक दो घंटे के अंदर भूख लग गई तो पहले पानी पी के देखना पानी से आपका कम से कम बीस मिनट पच्चीस मिनट वो पोस्टपोन हो जाएगी भूख फिर उसके बाद अगर हो सकता है पानी पिया फिर आप चाय वगैरह पी सकते हो चाय कैसे ग्रीन टी वगैरह पी सकते हो आप चाय विदाउट शुगर आप पी सकते हो तो ये कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं चाय बट आपकी होनी चाहिए फिनिश डी की या फिर सी सीटी सी टी डी नाइन की दामोलिक ऑर्गेनिक्स की तो तो भैया बढ़िया है बाकी चायों का मैं कोई वो नहीं करता इन दो चाय पे मेरा भरोसा है मैं करता हूँ उस चीज को दो चाय आप पी सकते हो मैं खुद पीता हूँ शाम को है ना तो इनको पी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रेटेड रहना है आ, मील्स की टाइमिंग्स बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है मील्स की टाइमिंग्स हम मील्स की टाइमिंग को जरा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कंसीडर कीजिए कि आपकी कैलोरी इनटेक जो है मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आपका 2000 कैलोरी आया तो आपको मल्टीप्लाई करना है आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी मील्स हैं वो बड़ी होनी चाहिए मतलब करीब करीब 300 से 400 तक कैलोरीज तक होनी चाहिए छोटी जो मील्स हैं वो 100 डेढ़ सौ दो में भी रहेंगी हाफ द मेन मेन मील का तो है लेट नाइट स्नैकिंग अवॉइड कीजिएगा प्लीज अवॉइड लेट नाइट स्नैकिंग लेट नाइट स्नैकिंग अवॉइड कीजिएगा आपको अपने शुगर अपने प्रोसेस फूड को लिमिट करना है जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा एडेड शुगर आती है बेकरी आइटम भरे पड़े हैं आप देखना ताव दो बिस्किट चार बिस्किट चले जा रहे हैं इधर घूमे उधर घूमे इधर से निकले तो ले लिया उधर से निकले तो ले लिया ऐसा सीन चल रहा है शुगरी बेवरेज से आपका फ्रिज भरा हुआ है कोक और नॉट सो रियल नॉट सो नेचुरल वाले जूस अगर आपके अंदर है फ्रिज में रखे हुए हैं अल्टरनेटिव uh, कुछ नहीं है मैम नींद लो अल्टरनेटिव नाइट क्रेविंग्स का कुछ नहीं है नींद लो सो so, अच्छे से जब तक उल्लू रात के उल्लू बने रहोगे ऐसी भूख लगेगी तो मत तो, नींद अच्छी लो कोई भूख नहीं लगेगी तो ये चीज है आपको हाईली प्रोसेस फूड को बहुत अवॉइड करना है जिन आप ये मान लो जिस बिस्किट जिस आटे का बना बिस्किट आटा आप चौबीस घंटे के अंदर आपका खराब हो जाता है वो बिस्किट छ छह महीने नौ नौ महीने और एक एक साल तक चलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना प्रोसेस है इतना ज्यादा हाईली फूड खाएंगे तो बुरा हाल हो जाएगा Try to check food labels, जो नहीं डाली है जो हमने इंग्रेडिएंट में डाली है वही डाली है एक्स्ट्रा नहीं डाली है तो ये सारे हिडन शुगर जो होंगे आपके आपको पढ़ना पड़ेगा लेबल्स को रीड करना अच्छे से आना चाहिए ये भी एक दिन हम जरूर टॉपिक लेंगे इसके बारे में बात करेंगे

फैट्स का बैलेंस मात्रा में आपको इंश्योर करना है कि ये तीनों ही तीनों की चीजें बहुत बैलेंस मात्रा में हो और प्रोटीन आपको आपके अंदर satiety, satiety मतलब फुलनेस जो आपको खाने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार आ, मेरा फुल हो गया आ, पेट भर गया वो फुलनेस जो प्रोवाइड करता है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है और मसल को प्रिजर्व करके रखता है प्रोटीन वेट लॉस के अंदर क्या लॉस होता है आपका ज्यादातर मसल लॉस हो जाता है बहुत लोग

अंदर है तो आप ऑब्वियसली इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है वेट मशीन चढ़ के प्रोग्रेस प्रोग्रेस ट्रैक ट्रैक नहीं होती progress track होती है कल मैं 25 जंपिंग पचास कर पा रही हूँ कल मैं पचास कर रही थी आज मैं सौ कर पा रही हूँ कल मैं सौ कर रही थी आज मैं दो सौ कर पा रही हूँ कल मैं दो सौ कर रही थी आज चार सौ पांच सौ करा रही कर हूँ कर कर ये प्रोग्रेस होती है वेट मशीन मेरा वेट ही कम नहीं बता रही है प्रोग्रेस नहीं है आपको डिमोटिवेट करेगी अगर आपको उसकी प्रोग्रेस देखनी है तो ट्राई टू एक एक सूट या साड़ी या फिर आपका कोई भी एक फेवरेट ड्रेस रख लो जो आपको पहनना है वो लूज होता रहेगा आपका बढ़िया चीज होती रहेगी बहुत लोग बहुत दिन बाद कुछ ट्राई करते हैं और एकदम उनको लूज हो जाता है तो बहुत मजा आता है कि आओ ये तो लूज हो गई इधर से लूज इधर से लूज तो ये ट्रैक प्रोग्रेस ऐसे की जाती है आपको समझना पड़ेगा आपके चेंजेस आपके फेस कट आपके गला एकदम पहले बहुत ज्यादा दिखता नहीं था गला गर्दन किधर है और ये किधर है सब एक जगह पे लगा हुआ था आजकल गर्दन दिखने लगी है तो ये प्रोग्रेस होता है राइट right? और इन सब प्रोग्रेस और इन सब चीजों का अगर आप आ, सही गाइडेंस में और सही आ, प्रोफेशनल्स के अंडर गाइडेंस आप लेंगे पर्सनलाइज सारी चीजें लेंगे और ध्यान से करेंगे तो आप सच में लंबे उसके लिए आप अपने हेल्थ को बचा पाएंगे और सेव कर पाएंगे होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ छोटी 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 मगर मोटी बातें हाँ एक दिन में तो जरूर समझ नहीं आती है इन चीजों को बार 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 प्रैक्टिस करने से होता है तो इस प्रैक्टिस के लिए आप जरूर वायसवान्स ऑनलाइन हेल्थ क्लब में एनरोल हुई जो एनरोल हो चुके हैं और एनरोल हो और होल हो पंद्रह तारीख पंद्रह जनवरी से हमारा शुरू हो चुका है सेवन डेज वेट लॉस चैलेंज आप जरूर एनरोलमेंट करिए और ऐसे बहुत सारे चमत्कारी चैलेंजेस और चमत्कारी चीजें हम करते रहते हैं तो जरूर हमसे जुड़िए अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेश, आ, सेशन पे सेक्शन हमारा खुल गया है क्वेश्चन आंसर किसी का भी सवाल कुछ भी सवाल है हमसे जरूर पूछिए ताकि हम आपको सही गाइडेंस दे पाए तो यस तो थैंक यू सो मच जो ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे वो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और आप सभी का स्वागत है दोबारा से हम वी में आपको जरूर एनरोल कीजिए और नए साल में दो हजार चौबीस में अपनी सेहत को घर से ही घर में ही पाइए थैंक यू